Hello friends and welcome back to another video from my YouTube channel, that is Vipin Sharma Biology Tutorials, and today we are going to talk about the basics of frictional force and the type of frictional forces as well as limiting frictions concept. तो बात करते हैं सबसे पहले frictional force की. Frictional force एक force है जिसे हम कहते हैं necessary evil. Necessary evil का मतलब है कि ये जरूरी भी है लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक भी है. तो discuss करते हैं कैसे. जरूरी किस लिए है, क्योंकि काफी सारे जो चीज हैं, काफी सारे जो यूनिवर्सल फेनोमेना है वो सारे होते हैं फ्रिक्शन की वजह से ही. जो गाड़ी रोड पे चल रही है दैट्स ऑल अबाउट फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी प्रॉपरली नहीं चल पाएगी. जितने भी फंक्शंस हम करते हैं दैट आर ऑल ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन इसके कुछ हार्म भी हैं. फॉर एग्जाम्पल मशीन जो खराब हो जाती है ड्यू टू वियर एंड टीयर. सो द वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ मशीन्स इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. इसके अलावा काफी चीजों की मोशन जो होती है जनरली रेस्ट्रिक्ट हो जाती है बिकॉज इट इज एन अपोजिंग फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स इज एन अपोजिंग फोर्स इन नेचर, यानी कि किसी चीज को रोकता है. एंड इफ इट इज अपोजिंग फोर्स इन नेचर तो जाहिर सी बात है कि ये चीजों की जो स्पीड है उसको जनरली कम कर देता है, विच इज अ हार्म फॉर अस. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज जनरली नोन एज द नेसेसरी इविल. अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ और. नेसेसरी फोर्स तो ये है ही लेकिन ये कब प्ले में आती है, यानी कि ये कब हमें पता लगेगा कि वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रही है या नहीं. व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन. व्हेनेवर देयर इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस. इफ दिस इज वन सर्फेस एंड दिस इज अनदर सर्फेस एंड देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दीज सर्फेसेस. किन्हीं भी दो सर्फेसेस के बीच में जब रिलेटिव मोशन है उस टाइम पे एक फोर्स प्ले में आती है. दैट पर्टिकुलर फोर्स इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स. सो फ्रिक्शनल फोर्स कब काम में आएगी. व्हेनेवर देयर इज सम काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ सरफेसेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इनटू प्ले. अब बात करते हैं जनरली ये मोशन को रेस्ट्रिक्ट करती है. एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूंगा. दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अ ब्लॉक. फॉर एग्जांपल दिस इज अ सरफेस एंड दिस इज अ ब्लॉक एंड आई एम गोइंग टू पुश दिस पर्टिकुलर ब्लॉक. मैं इस ब्लॉक को पुश करना चाहता हूं लेकिन ये ब्लॉक बहुत ज्यादा भारी है, बहुत ज्यादा भारी है, फ्रिक्शनल फोर्स काफी ज्यादा लग रही है. आई एम अनेबल टू पुश दैट. मैं उसे पुश नहीं कर पा रहा हूं और अगर मैं उसे पुश कर भी पाता हूं तो भी उसके पीछे कोई अपोजिंग फोर्स लगती है. फॉर एग्जांपल मैं इसे यहां से पुश कर रहा हूं यानी कि फोर्स यहां पे लग रहा है इस डायरेक्शन में एफ, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन ताकि वो उसको रोक सके. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, क्योंकि ये किसी भी चीज के मोशन को रेस्ट्रिक्ट करती है. अब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही किसी चीज की मोशन को रेस्ट्रिक्ट करती है, क्या ऐसा कभी नहीं हो सकता कि इसके थ्रू किसी चीज का मोशन हो जाए. आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको आंसर बताता हूं. हम सभी सोचते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अ काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स और ये सोचना ठीक भी है, लेकिन कुछ केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स मोशन प्रोवाइड करवाता है. अब आपको बताता हूं कैसे. फॉर एग्जाम्पल ये एक सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा ए और एक ब्लॉक ए के ऊपर मैंने ब्लॉक रखा बी. ओके, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी एंड दिस इज द जनरल सरफेस. अब मैंने फोर्स लगाई इस ब्लॉक पे, जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले लगा रहा था वैसे ही मैंने फोर्स लगाई इस पे. फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे काम करेगा और इन दोनों के बीच में भी कॉन्टेक्ट है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी सरफेस है. ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो अ सरफेस एंड दिस इज ऑल्सो अ सरफेस. So, इन दोनों के बीच में जो सर्फेसेस हैं, जाहिर सी बात है वहां पे भी कॉन्टेक्ट है तो वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी. मैंने धक्का मारा नीचे वाले ब्लॉक को लेकिन मूव करेंगे दोनों ब्लॉक साथ में. ऐसा हमने जनरल लाइफ में काफी बार किया होगा, जब किसी चीज को उठाना होता है या फिर किसी चीज को धक्का मारना होता है तो हम जनरली किसी चीज को धक्का मारने से पहले उसके ऊपर अगर कुछ रख दें तो वो चीज भी साथ साथ चलेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप सबके घर में बॉक्स होगा, आपने कभी बॉक्स को अगर खिसकाया होगा तो उसके आप ऊपर आप मोबाइल रख दीजिए अपना, मोबाइल ऐसा नहीं होगा कि गिरेगा, वो बॉक्स के साथ चलता जाएगा. मोबाइल इज मूविंग बाय द वर्च्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स उस ब्लॉक यानी कि उस बॉक्स की मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है लेकिन वही फ्रिक्शनल फोर्स मोशन प्रोवाइड कर रहा है मोबाइल को. मतलब कि हमने धक्का मारा बॉक्स को और मोबाइल फ्री में ही ट्रेवल कर रहा है. दैट इज द मोशन अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो चीज मूव कर रही है. सो इट इज गुड, ये बात जानना जरूरी है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स या फिर अपोजिंग फोर्स, बट इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ मोशन इन सम काइंड ऑफ केसेस. कुछ केसेस में ये मोशन प्रोवाइड भी करती है. अब बात करते हैं फ्रिक्शन के टाइप की. इफ यू विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, तो सबसे दो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं इसके वो है
स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स एंड रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ जनरल सरफेस, दिस इज अ प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस पे मैंने रखा एक ब्लॉक और इस ब्लॉक को मैंने धक्का मारा, इस ब्लॉक को मैंने धक्का मारा तो ये जो है उस सरफेस पे स्लाइड करेगा। या फिर अगर आप सरफेस को ऐसा बना लें और यहां पे मैंने ब्लॉक रख दिया तो इस ब्लॉक को जरा सा फोर्स देते ही ये स्लाइड करेगा इस पर्टिकुलर प्लेन प्लेटफॉर्म पे। दिस पर्टिकुलर मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन दिस सरफेस इज नोन एज द स्लाइडिंग, द स्लाइडिंग काइंड ऑफ मोशन, और इस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है दैट इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब कोई चीज स्लाइड करेगी उसी टाइम पे उस पर स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। अब बात करते हैं रोलिंग की। रोलिंग जाहिर सी बात है जब हम रोल कराएंगे, मैंने एक बॉल को पकड़ा, एक स्फेरिकल बॉल को, और उसको इस सरफेस पे ऐसे छोड़ दिया तो वो कुछ इस तरीके से मूव करेगी, गोल गोल घूमते जाएगी और उसका मोशन कुछ ऐसा होगा। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज द रोलिंग मोशन। एक चीज है उसको मैंने लुढ़का दिया तो वो लुढ़कते लुढ़कते आगे पहुंच जाएगी, दिस इज नोन एज रोलिंग मोशन। सेम केस यहां पर है, यहां पे मैंने एक बॉल रखी और उस बॉल को हल्का सा धक्का दे दिया, उसके बाद वो बॉल नीचे की साइड चली जाएगी, इस साइड आ जाएगी। दिस पर्टिकुलर मोशन ऑफ अ बॉल ऑन अ सरफेस इज नोन एज रोलिंग मोशन एंड द टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विच कम्स इनटू अकाउंट इन रोलिंग मोशन इज नोन एज द रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि रोलिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स यूज होगी दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग के टाइम पे जो फ्रिक्शनल फोर्स यूज होगी दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये थे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन को काफी तरीके में बांटा जाता है, काफी पार्ट्स में बांटा जाता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी स्टैटिक एंड कैन बी डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब यूजुअली होता है रुका हुआ एंड डायनेमिक मींस इन मोशन। तो स्टैटिक इसको क्यों बोला गया है? स्टैटिक क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन होती है, नो देयर इज नो एक्सेलरेशन। अब बात यह है कि एक्सेलरेशन नहीं है तो एक क्वेश्चन काफी बार ये आ जाता है कि जब किसी चीज के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या वो मूव कर रही होगी या फिर वो रेस्ट पे होगी। मोस्ट ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि वो रेस्ट पे होगी, लेकिन काफी ऐसे केसेस होते हैं जिनमें वो मोशन में होती है। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो इट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सो एक्सेलरेशन जो है, अब वेलोसिटी है किसी चीज, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी एक घंटे तक लगातार 60 की स्पीड पे चली, तो 60 उसकी इनिशियल स्पीड थी, 60 उसकी फाइनल स्पीड थी डिवाइडेड बाय 1 आवर। अगर हम मिनट या सेकंड में लिखना चाहें तो वो हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब है यहाँ पे टाइम ही आएगा। ऊपर वाले टर्म जीरो हो गई क्योंकि एक चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, और जब वो चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज जीरो, और वेलोसिटी का चेंज जीरो तो एक्सेलरेशन अपने आप जीरो हो जाएगी। और एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी इसका मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन। यानी कि इसमें दो केसेस हो सकते हैं, जाहिर सी बात है एक तो जब बॉडी रेस्ट पे है, और जब कोई बॉडी रेस्ट पे होगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ही उसको रोकने के लिए जो है मजबूर करता है रुकने के लिए। अदरवाइज फ्रिक्शन नहीं होती तो हर चीज चलती रहती, हर चीज मोशन में होती। सो नो एक्सेलरेशन का मतलब है कि रेस्ट पे है, जो कि जाहिर सी बात है। दूसरी चीज ये हो सकती है दैट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई चीज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यानी कि व्हेन द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज जीरो, देन एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी जीरो ऑटोमेटिकली। अब उसके बाद लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक कांसेप्ट आता है जो कि मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा। सेकंड टाइप है डायनेमिक टाइप और काइनेटिक टाइप ऑफ फ्रिक्शन। डायनेमिक मोशन में है, नाम बता रहा है, एंड द काइंड ऑफ एनर्जी अ पार्टिकल और अ थिंग विल हैव। किसी भी चीज के पास जो एनर्जी आएगी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, यानी कि किसी भी चीज की मोशन की वजह से उसके पास जो एनर्जी आएगी दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए इसको कहा जाता है द काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो डायनेमिक और काइनेटिक टाइप में जाहिर सी बात है चीज जो है मूव कर रही है तो उसमें एक्सेलरेशन जो है प्रेजेंट होगा, तो कभी भी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली चीजें नहीं होंगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होगी और वो तभी हो सकती है जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें। तो दीज आर द जनरल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है, ये एक रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स है लेकिन कई बार मोशन कराने में भी मदद करती है, और ये एक नेसेसरी इविल इसीलिए क्योंकि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल द फेनोमेनास इन यूनिवर्स
लेकिन ये कई बार मशीन के वियर एंड टीयर को भी सपोर्ट करती है। इसके बाद ये तब होती है जब दो सर्फेसिस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। ये दो तरीके की होती है, स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड रोलिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करें तो ये भी दो तरीके की होती है, स्टैटिक जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता और डायनेमिक या फिर काइनेटिक जिसमें एक्सेलरेशन होता है। अब हम बात करेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को समझने से पहले एक हम एग्जांपल लेंगे जिससे कि ये सारी चीजें हमें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बात हम कर रहे हैं, ये मैंने एक सरफेस बना दिया और सरफेस के ऊपर मैंने रख दिया एक ब्लॉक। अगर मैं कहूं कि ये ब्लॉक जो है 10 केजी का है तो नीचे फोर्स कितनी लगी? जाहिर सी बात है हम जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एक ब्लॉक जो है अभी रेस्ट पे है, दिस इज द सरफेस, उसका मास है 10 किलोग्राम, तो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगी दैट इज एम इंटू जी। तो m है 10 kg और g की वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन हम यहां पे 10 मान लेते हैं। सो 100 न्यूटन जो फोर्स है नीचे की साइड काम कर रही है। इसके जस्ट अपोजिट काम करता है नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये एंगल 90 होगा बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा, दैट इज 100 न्यूटन। अब अगर मैं बोलूं कि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 0.2, 0.1 कुछ भी मान सकते हैं आप, 1 मान लेते हैं हम सिंपल कैलकुलेशन के लिए, इससे थोड़ी कमी होती है लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 है इसकी वैल्यू। और हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लगेगी जब फोर्स यहां पे लगेगी या फिर फोर्स यहां पे लगेगी। तो मैं इस चीज को इस साइड धक्का मार रहा हूं, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी इस साइड, वेट एमजी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, चार तरीके की फोर्सेज इस पे काम करेंगी और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज 1। तो म्यू की वैल्यू 1 है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कल एक लेक्चर पढ़ा था और उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि F by N is equal to, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू दिस कोफिशिएंट। तो F की वैल्यू हमें निकालनी है समझ लीजिए, N की वैल्यू हमें पता है दैट इज 100 और इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी 100 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं 100, यानी कि इस डायरेक्शन में काम कर रही है फोर्स 100। अब मैंने क्या किया, यहां पे जो मैंने फोर्स लगाई वो मैंने लगा दी 10 या फिर मैंने लगा दी 20। जब जीरो थी तब तो जाहिर सी बात है जब फोर्स जीरो होगी तो चीज रेस्ट पे होगी। अब मैंने इसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स यू लगा दी, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है 100 न्यूटन। काम पे लगने वाली फोर्स जो है 20 न्यूटन है, रोकने वाली फोर्स 100 न्यूटन है। कहने का मतलब है कि चीज रुकी रहेगी। अब मैंने इस पे लगा दी 30। जाहिर सी बात है 30 भी इतनी ज्यादा नहीं है, 30 में भी ये ब्लॉक रुका रहेगा। फिर मैंने लगा दी 40, फिर मैंने लगा दी 50, 60, 70, 80, 90, कितनी भी लगा दो जब तक वो 100 से कम है ये ब्लॉक कहीं पे हिलने वाला नहीं है। ये हमें कहते हैं लॉज ऑफ फिजिक्स। जाहिर सी बात है किसी चीज पे अगर रोकने वाले फोर्सेस ज्यादा हैं और धक्का मारने वाली फोर्सेस कम है तो वो चीज हमेशा रुकी रहेगी, हमेशा रेस्ट पे रहेगी, जो कि साबित हो गया इस पर्टिकुलर एग्जांपल से। अब मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं 99.9, आगे काफी सारे 9 लगा देते हैं, 12 लगा देते हैं इसके ऊपर, काफी सारे 99 है, यानी कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो हमने फोर्स लगाई है ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जिस पे ये चीज रुकी रहेगी, ये ब्लॉक इस मैक्सिमम वैल्यू की फोर्स लगाने तक रुका रहेगा। जस्ट इस फोर्स को लगाने पे इससे जरा से फोर्स ज्यादा लगते हैं आगे निकल पड़ेगा, क्योंकि फोर्स 100 से ज्यादा हो जाएगी और जब किसी साइड में फोर्स इंक्रीज हो रही है और वो फ्रिक्शनल फोर्स को तोड़ गई, उसके बैरियर को तोड़ गई, तो जाहिर सी बात है वो चीज आगे बढ़ जाएगी। तो यही बात हम यहां पे देखेंगे कि 99.999% फोर्स जो है लग चुकी है, यानी कि अब ये चीज एक मैक्सिमम वैल्यू पे है, एक मैक्सिमम लिमिट पे है, इससे ज्यादा फोर्स जाते हैं ब्लॉक चल पड़ेगा। तो ये जो चीज है इसको साबित करेंगे अब हम, ये जो पर्टिकुलर लिमिट है, ये जो पर्टिकुलर लिमिट है जिससे आगे जरा सा फोर्स लगाते ही चीज चल पड़ेगी, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इससे जरा सा ज्यादा फोर्स लगाते ही चीज मूव करने लग जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू जो है यानी कि फोर्स की वैल्यू जो है फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी।
और जब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि रोकने वाली फोर्स अप्लाइड फोर्स से कम है, तो चीज जाहिर सी बात है मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये जो हाईएस्ट वैल्यू है जिस फोर्स को हम लगा सकते हैं, जिस पर ब्लॉक अभी मूव करना स्टार्ट नहीं हुआ है, दैट पर्टिकुलर लिमिट इज नोन एज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस फॉर्म्स अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हमें इस पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है इससे ये पता लगता है कि कब तक कोई ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये जो वैल्यू है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस वैल्यू से ज्यादा जरूरी हमारे लिए फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे इस वैल्यू के थ्रू, तभी हमें पता रहेगा कि कितनी फोर्स लगाने पे कोई ब्लॉक मूव करेगा। काफी बार क्वेश्चंस में आपको दे दिया जाता है सब कुछ, अप्लाइड फोर्स में आपको दे दिया जाता है, आपसे बस ये पूछ लेंगे विल द ब्लॉक मूव और नॉट, और इसी में काफी सारी एम्बिग्यूटीज आ जाती है क्वेश्चन में, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट नहीं पता होता अबाउट द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम ये पर्टिकुलर कंसेप्ट लगा दें तो हमें पता लग जाएगा कि व्हेनेवर द अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तभी कोई चीज मूव करेगी। काफी बार जो हम आंसर निकालेंगे फोर्स का वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम होगा, और जब वो फ्रिक्शनल फोर्स से कम हो जाएगा तो कोई भी चीज मूव नहीं करेगी। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन एज वेल एज द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको सच में पसंद आए देन हिट लाइक बटन, एंड इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन प्लीज हिट सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।